और गाइस माँ जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं माँ जी। ठीक है गाइस, बहुत दूर जा रहा भाई जर्नी के लिए। ठीक है माँ जी, हाँ। एक हफ्ते के बाद मिलना। हाँ। ठीक है यार। हाँ, एक ये और एक है गाइस, शॉपिंग चल रही है अपनी दबा के, और मम्मी जी यहाँ पे और भैया यहाँ पे निकाले रहे लगातार। राम जी गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हम लेके आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग गाइस। और गाइस अभी मैं ऑफिस से आ गया था, और भाई अभी बज रहे हैं 6:15, और भाई हमारा जाने का प्लान है मार्केट में। मम्मी से बहुत दिन से कह रहा, मम्मी जी मुझे बहुत दिन से कह रही कि कपड़े खरीद ले बेटा, तेरे पे कुछ नहीं है, घर पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत जाने वाने के लिए भी। भाई 2 साल हो गए कोई कपड़े नहीं खरीदे, केवल जो सारे कपड़े मम्मी गुड़िया को खरीदवा दो, मेरे तो कोई खरीदती ही नहीं। तो गाइस आज मंगल मुहूर्त आ चुका है कि मम्मी बोल रही है कि चल बेटा तेरे लिए टी शर्ट की पूरी दुकान ही खरीद देंगे। तो गाइस मम्मी तैयार होकर आ रही है, फिर जल्दी चलते हैं टी शर्ट्स खरीदने। ठीक है, क्योंकि आज मेरा मन है टी शर्ट लेने का, और चलते हैं। और भाई भीड़ ना काट ले, ठीक है, और फिर लेते हैं कौन सी, और मम्मी जी की बार्गेनिंग दिखाते हैं कैसी करती है मम्मी जी। ठीक है, तो चलो जल्दी से चले। आ जाओ मम्मी, यार मम्मी आ जाओ, मम्मी मम्मी नहीं आने की, मम्मी तो वहेंगे पूरा कह रही, मेकअप वेकअप पूरा करके आओगी। बचपन से लेकर एक चीज नहीं छूटी, पन्नी ले आनी मम्मी, वो इतने नाना प्रकार के पर्स हैं, पर मम्मी पर्स नहीं कभी लेके जाती। मम्मी क्या बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ रहना भाई, बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ बन कर रहना, और पन्नी में लेके जाना कि सब किसी को पता ना लगा कि हम बहुत अमीर है, समझ रहे। हाँ, अमीर। हाथी झूल रहे ऐसे कह रहे, ए गुड़िया हम तेरे पीछे चौकीदारी पे छोड़ गए। ठीक है, चौकीदारी कर लिए खानी था, चलो अभी बैठो तो सही, मेरी फटफटी पे बैठो तो। चलो भाई आज पूरी दुकान लूट गया जाते हैं, चलो अभी चले चलो। देख रहे हो अंडरपास कितना प्यारा बना दिया भाई। यहाँ पे एक टाइम में मतलब इतनी भीड़ लगती थी भाई, इतनी भीड़, इतना जाम, इतना ट्रैफिक, ना बात पूछो। और आज देखो भाई कितना सेट। लो गाइस यहाँ पे शर्ट ले जा रही है भाई साहब, भैया हमें शर्ट दिखा रहे, बढ़िया वैरायटी ऑफ शर्ट दिखा रहे। मम्मी कौन सी लेनी बताओ, ये वाली भी वैसे सही लग रही थी। येलो, ये ब्लू वाश करो ना, ब्लू देखो, ये वाला नीले वाला ज्यादा सही लग रहा है ना, नीले वाला डन कर लो। एक ये और एक है गाइस, शॉपिंग चल रही है अपनी दबा के, और मम्मी जी यहाँ पे और भैया यहाँ पे निकाल रहे लगातार। येलो गाइस, भैया यहाँ पे रेट बता रहे हैं, ये 2 महीने सेलेक्ट कर लिए भाई, दिखाना एक सेकंड, ये वाले एक मिनट ओपन करके दिखाना गाइस, ये सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया है। अरे फोटो नहीं ले रहे भैया, मैं वीडियो बनाता हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए दिखा। अरे नहीं बढ़िया लग रहा है, ऐसी बात नहीं, बट आप रेट बता दो सही सही कि जो मम्मी हमारी एग्री हो जाए, और बस चल रहे हैं। तो भाई मम्मी की बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे, प्रॉपर बार्गेनिंग चल रही है। मम्मी मेरी बार्गेनिंग में बहुत एक्सपर्ट है, आप इनके सामने जीतना वो जीत पाना बहुत मुश्किल काम होता है। भैया नेम बता दो अपनी दुकान का, और कहाँ पे है, नाम जगह बता दो। बात तो भैया ने पूरा एड्रेस बता दिया, और यहाँ से हम 2 अपनी टी शर्ट लेके जा रहे हैं। टी शर्ट लेने के लिए आए थे, मन करके लोअर भी लेने का बताओ। और गाइस यहाँ पे शॉपिंग हुई कंप्लीट, और मैंने यहाँ पे लोअर भी ले लिया बढ़िया करके, और मम्मी जी की बार्गेनिंग नहीं रुकने की भाई। ये देखो मम्मी पिकअप लाइन बोल रही अपनी खतरनाक वाली, वाह। भैया ने यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा कर दिया, अरे एकदम गजब भैया। ये लो गाइस, भैया ने सब्सक्राइब कर दिया अपने चैनल को, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है, धन्यवाद भैया। अरे भैया बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। गाइस मेरे लिए कपड़े लेने थे, मेरे साथ में लोअर भी ले लिया, और फिर पापा के भी लिए कपड़े ले रहे, पता देख रहे हो अलग ही लेवल का चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत देर से खरीदारी चल रही है, वो आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, और भैया भी हमें दिखा रहे हैं। देखो इतनी सारी चीजें दिखा दी, और इतनी सारी वैरायटी, मैंने बता दी ना आपको जगह कहाँ पे है, तो इसलिए आ जाना। मम्मी एकदम खतरनाक लेवल पहुंच जाती है। गाइस किसी को भी बार्गेनिंग करनी हो तो मेरी मम्मी को साथ ले जा ले, ठीक है। हाँ मम्मी कैसे होगी, इतना पैसा मिलने का आया था। मम्मी जी का सबसे बड़ा हथियार पता क्या है कि मैं ज्वालापुर की बोल देती हूँ, तो बस सब भाई बन जाते हैं यहाँ पे, भाई बंधु। ओ तो गाइस देख रहे हो, ये गाइस देख रहे हो, गाइस देख रहे हो, सिस्टम पूरा बिठा रखा है यहाँ पे, ठीक है। मम्मी जी बस मम्मी जी का आखिरी हथियार ही होता है ज्वालापुर की, यही मार्केट की हो। और गाइस ये देख रहे हो, बस अब हम घर चल रहे हैं, क्योंकि हमने जो सामान खरीदना था, खरीदारी करनी है, सब कुछ हो गया है। और अभी देखो मार्केट का इतना प्यारा व्यू आ रहा है, वाह यार। गाइस अभी मैं मार्केट में ही था, और गाइस अभी जब 3-4 दिन पहले तूफान आया था ना, यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई है। ये नीम का पेड़ था, ये कम से कम 100-150 साल पुराना पेड़ होगा,
देख रहे हो, बहुत बड़ा पेड़ था, तूफान के चलते नीचे गिर गया और यहाँ पे 6-7 लोग दब गए और एक छोटी बच्ची की जान चली गई। भाई साहब मतलब बहुत दुख दर्द है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और ये अभी पेड़ यहीं पे है, देख रहे हो, जिस घर के पास खड़ा था पूरा गिर गया। भाई बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ है और देख रहे हो पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि अभी भी कहीं गिर ना जाए तो इसीलिए, और अभी पूरा अच्छे से काट के लेके जाया नहीं गया। समझ लो कितना बड़ा पेड़ था, आप इससे समझ सकते हो कि कितना भारी भरकम है और कितने जिनके ऊपर गिरा होगा भाई उनकी जान की क्या हुई होगी यार। इसी के साथ हम आ चुके हैं खरीदारी करके घर वापस। भाई राम राम, गुड़िया राम राम और सभी को राम राम। मम्मी जी यहाँ पे पापा जी को चेक करवा रही, भाई ठीक है ना, कलर कैसे है देख रहे हो? पापा जी मैं पूरी सेटिंग पूरी बिठा गया अंकल जी के साथ, पता पापा जी चैनल सब्सक्राइब भी कराया और सेटिंग पूरी बिठा गया मैं। चलो गाइस मम्मी जी पापा जी को टेस्टिंग करवा रही है, बाकी अपने मैंने तो दो ले ली, मेरा तो बढ़िया हो गया काम, सेट है भाई काम सेट है। तो बाकी यहाँ पे टेस्ट करा रहे गुड़िया को, पापा जी को मम्मी दिखा रही। गाइज मार्केट से आने के बाद डायरेक्ट पापा जी और मैं यहाँ पे शादी में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि पापा जी के दोस्त की और मेरे भी जो दोस्त है मेरे स्कूल में पढ़ता था उसके बहन की शादी है, तो हम जा रहे हैं दोनों शादी में, ठीक है, और जाना बहुत जरूरी है और जल्दी चलते हैं। चलो भाई मैच बाद में देख लियो। गाइज मैच आ रहा गुजरात वर्सेस मुंबई का और ये सारे अपनी बातें परोस रहे हैं। गाइज इसी के साथ हम आ चुके हैं यहाँ पे शादी में, और भाई यार यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना भाई किसी भी शादी का एक एंट्री जो होती है ना वो सबसे बेहतरीन होती है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पापा मेरा व्यू सारा खत्म कर रहे हैं आगे चल के, बट कोई दिक्कत की बात, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना झूमर, वाह यार। चलो जल्दी से जल्दी चलते हैं और कैमरा ऑफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपनी टिक्की चल रही है मस्त तरीके से और भाई सामने का व्यू देख रहे हो सेट आ रहा है ना। और गाइस अब मुरादाबादी दाल खाई जा रही मस्त तरीके से, ठीक है भाई मस्त तरीके, मेरे छूटने का नहीं भयंकर, तो मुरादाबादी दाल खाता हूँ और इन्जॉय करते हैं, ठीक है। और व्यू देखो भाई बेहतरीन ना गाइस, अब माई फेवरेट रस मलाई खा रहा हूँ मैं, वाह यार। और ये इंटीरियर डिजाइन है यहाँ पे अंदर का गाइज, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है इस बैंकेट हॉल में। आई लव वाटिका फार्म, हम वाटिका फार्म में आए हैं ना, और ये देखो सामने ट्री और कितने प्यारी डेकोरेशन है, वाह यार। और गाइज अब सीधा घर चल रहे हैं क्योंकि आ रहा है मैच बहुत तगड़ा, ठीक है। और पापा जी का फेवरेट प्लेयर शुभमन गिल खेल रहा है भाई, ठीक है, तो पापा जी कह रहे हैं जल्दी चल भाई बैटिंग देखनी आखिरी की 3 ओवर की, ठीक है, तो जल्दी चलते हैं और बैटिंग देखते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। और भाई मजा आ गया शादी में, आधे घंटे में घूम गए, ठीक है। आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी लोग, और सुबह हो चुकी है और ये देखो सूर्यदेव भगवान जी भी दर्शन दे रहे हैं भाई, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और देख लो कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे सूर्यदेव भगवान जी सूर्य उदय हो रहे हैं, है ना। चलिए अपने पौधों को पानी देते हैं, ठीक है, अपने पौधों को अच्छे तरीके से पानी देते हैं और बस भाई बहुत दिन हो गए पानी नहीं दिया था, तो आपको जल्दी जल्दी पानी देके दिखाते हैं। सुबह के 6 बजे मैं पानी दे रहा हूँ, फुली रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए और जल अर्पण करने के लिए जाते हैं भगवान महादेव जी को, सूर्यदेव भगवान जी को। और बाकी किट्टू तो कुछ नहीं का नाना आना, इन दोनों को नाना भाई इन सबको मेरे से सीखना चाहिए, मैं सुबह सुबह नहा लूं हर रोज, चाहे संडे हो मंडे हो कोई सभी दिन हो, ठीक। हर हर महादेव, और महादेव जी को जल अर्पण करते हैं और साथ में गुड़ल का ये पुष्प अर्पण करके आते हैं, ठीक है, सफेद कलर का वो भी। अपना डिनर करते हैं जिसमें मम्मी जी ने करेले और पराठे दिए, रियल लो भाई मम्मी जी को और पराठा ले आई। चलो भाई जल्दी से पराठे दूध और करेले खाते हैं, ठीक है। चलो भाई जाने के बाद मिलते हैं, भाई राम राम, मम्मी राम राम, गुड़िया राम राम, सभी को राम राम और आप सभी को भी राम राम जी, और चलते हैं, ठीक है, बाय बाय। 2000 years later मैं लौट के आ चुका हूँ अपने घर वापस और भाई साहब अपनी चल रही है पैकिंग। जी हाँ गाइस अपनी पैकिंग चल रही है और अपनी है भाई ट्रिप, बहुत लंबी ट्रिप है भाई, मतलब 1 हफ्ते की ट्रिप है पूरी सेट करके, आज तक की सबसे बड़ी ट्रिप मैं करने जा रहा हूँ, मजे आने वाले भाई साहब, भाई भैया लोगों के साथ सबके साथ। और जल्दी से अपने बैग में पैक करते हैं और आपको नहीं बताता गाइस पूरे आखिरी तक, बस जैसे जैसे व्लॉग आते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे कहाँ जाता जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए भी बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है, तो बाकी अब जल्दी से मैं पैकिंग कर देता हूँ, ठीक है,
सारे सामान को और भाई जो भी जरूरत की चीजें वो सब रखते हैं और फिर चलते हैं गाइस अपनी ट्रिप पे, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में मेरी ट्रिप देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी पैकिंग कर लेते हैं जल्दी से। अभी देखो बाहर लंबे ट्रिप पे जाते हो तो हमेशा लोअर लेके जाओ, तो लोअर में दो दो लेके जा रहा हूँ, टी शर्ट्स वगैरह जिसमें कंफर्टेबल फील करे, ठीक है भाई। शादी ब्याह में जा रहे जो ज्यादा ऐसे कपड़े लेके जाऊँ, ठीक है। और ये है अपना एक और लोअर जिसे मैं लोअर रख रहा हूँ, और गाइस ये अपने थोड़े ब्लॉगिंग के सामान है, और ये भी अपना एक और टी शर्ट है जो काम आएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे सामान लेके जा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कितने ट्रिप बड़ी होने वाली है, ठीक है। और ये अपना ट्राईपोड, और ये अपना चार्जर का एडेप्टर, ब्लूटूथ एडिटिंग करने के लिए, और इसका रिमोट, ठीक है। बाकी ये है कार में लगाने वाली जो मेरे आईफोन से कनेक्ट करके चार्ज लगाएगी, ठीक है। बस इतना ही सामान है, अकेला हूँ तो इतना ही रहेगा। बाकी ये दोनों चीज़ें पहन के चलते हैं, ठीक है। मज़ा आने वाला भाई, ठीक है। यही बस मेरी पैकिंग थी और मज़ा आएगा भाई, फुल सेट। और गाइज माँ जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं माँ जी, ठीक है। गाइज बहुत दूर जा रहा भाई जर्नी के लिए, ठीक है माँ जी। हाँ। एक हफ्ते के बाद मिलना, हाँ। ठीक है यार। हाँ, एक हफ्ते के बाद मिलेंगे। अच्छा चलो गाइज, एक हफ्ते के बाद, ठीक है। चलो बाय बाय। चलो गाइज मैं इसलिए माँ जी को बाय करने के लिए आया था, और वो चलते हैं अभी शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है। और लीजिए गाइज पूरा बैग पैक हो गया और बस चलते हैं, ठीक है। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:15, ठीक है। माँ जी को बाय बाय कर दी, मम्मी बाय बाय, ठीक है। बाय बाय। चलो गाइस अब चलते हैं, सारा सामान हो गया, ठीक है। और बाकी आप ये मैं सोच रहा मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ गाइस, कार है अभी मैं एक जगह एकत्रित होना, ठीक है। चलो गाइस मैं यार घूमने के लिए जा रहा हूँ, माँ जी रो रही भाई, रो के क्यों दिखा रहे हैं, मम्मी तो मुझे खुशी खुशी जाने दे दी यार, मुझे मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि लड़की ससुराल जा रही है, ठीक है। मम्मी घूमेंगे, वीडियो बनाओगे और कहीं जॉब कराएंगे जब नहीं जाओगे। चलो भाई ठीक है, रोना किस बात का, किसान जा रहा हूँ। चलो ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ भाई। ट्रेन को कहाँ मना, ट्रेन में जा रही है, ठीक है। चलो मुझे पता, बाकी फोन भी कर दी, वो दिक्कत है। चलो फिर बाय 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 बाय, ठीक है। चलो गाइस, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, अब चलते हैं।